Very sweet good morning to all my dear students. This is Priya Singla and welcome to our channel. Today I am not here to discuss the topics of my subject, that is biology. मैं आपके साथ biology नहीं discuss करने वाली हूँ. I think मैंने आज ये सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसे facts discuss किए जाएँ जो आपके खुद के बारे में हैं. शायद हमारे mind में कई सारे ऐसे questions आते हैं दिन में, but शायद हम उन पर गौर नहीं करते. लेकिन आज मैं आपके साथ 4 या 5 इस तरह के फैक्ट्स डिस्कस करूंगी जो शायद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके अंदर उठने वाले क्वेश्चंस के लिए, राइट? सो सबसे पहले अपनी बॉडी के बारे में जो मैं फर्स्ट ऑर्गन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ ब्रेन, द मास्टर माइंड ऑफ योर बॉडी. ब्रेन जब वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या आता है? द होल सम ऑफ द बॉडी. जितने भी आपकी बॉडी एक्टिविटी कर रही है, कुछ भी हो रहा है आपकी बॉडी में, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेन, राइट? तो वट इज़ द न्यू अबाउट द ब्रेन, क्या है फैक्ट अबाउट द ब्रेन? वो ये है कि द ब्रेन नेवर रेस्ट और द ब्रेन नेवर स्लीप. हम सो जाते हैं, हम रेस्ट करते हैं, हम डेली रूटीन की एक्टिविटीज करते हैं, आफ्टर दैट वी गेट टायर्ड एंड स्लीप, राइट? बट आर ब्रेन नेवर स्लीप्स, इट कंटिन्यूज वर्किंग. वो हमेशा वर्किंग में रहता है. आपने कभी सोचा है कि आपको ड्रीम्स क्यों आते हैं, सपने क्यों आते हैं? दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमारा ब्रेन उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है. और डेली जो डे लाइफ होती है उसमें आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि इट कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 250 वोल्ट, राइट? तो यू कैन जनरेट द योर ब्रेन कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 250 वोल्ट ड्यूरिंग द डे एक्टिव लाइफ, राइट? सेकेंड थिंग वट इज़ अबाउट द ब्रेन, कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया है कि वी आर इतनी अच्छी हमारी हाइट है, इतने हम कई बार हेल्दी भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, राइट? लेकिन थोड़ा सा भी मच्छर आपको काटेगा या नीडल आपको काटेगी ना, तो यू फील इट, आपको एकदम से पेन होता है. कभी सोचा है इसके बारे में? दैट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ आर ब्रेन. क्यों ऐसा हो रहा है? ब्रेन से जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, जितनी भी इम्पल्सिस आ रही हैं बेटा, इट इज़ हैविंग द स्पीड ऑफ 240 to 400 km/h. इतनी स्पीड से चल रहा है कि जरा सी भी आपको कोई चीज़ पिंच करती है तो इट डायरेक्टली गॉट टू द ब्रेन एंड द मैसेज केम दैट यू आर हर्टिंग और यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ पिंच देयर. एंड मोर फैक्ट अबाउट योर ब्रेन इज दैट द ब्रेन इज हैविंग द मेमरी ऑफ 4 TB, दैट इज कंपेरेबल टू अ कंप्यूटर मेमरी, जो एक बहुत अच्छी खासी मेमरी मानी जाती है कंप्यूटर के अंदर. अगर हम देखें तभी आप क्या होता है, कभी आप एक पर्सन से मिले हैं या आपने कभी भी किसी का फेस देखा तो आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप उसको देखेंगे ना, बेशक आपको उसका नेम नहीं याद आएगा बट यू विल रिकोगनाइज कि मैंने इसको कहीं देखा है, जैसे जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, राइट? अब नेक्स्ट देयर, क्लियर? तो अब सेकेंड फैक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो शायद सभी के साथ होता है. कई बार हम खाना नहीं खाते तब भी हमें एसिड बनता है, कई बार हम खा लेते हैं तब भी हमें एसिड बनता है. कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन आर स्टमक. हमारे स्टमक में क्या है? एसिड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, यू आर ईटिंग द ओपन फूड, स्ट्रीट फूड आप खा रहे हैं, आप बिना धोए कुछ भी खा रहे हैं, राइट? हमारी बॉडी कोशिश करती है कि उससे हमें क्या हो, कोई भी इस तरह का जर्म्स या वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी को हार्म ना करे. उसके लिए हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है बेटा? एसिड. और वो एसिड इतना गर्म है कि बाहर अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो इट कैन पायरस योर स्किन, आपकी स्किन पे वो छेद कर सकता है. तो इट इज़ किलिंग आर बैक्टीरिया एंड वायरस प्रेजेंट इन योर फूड. ये हमारे लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. अब एसिड हमें बनता क्यों है? जब हमने कुछ खाया ही नहीं है तो बन क्यों जाता है बेटा? द एसिड रिलीज, जब आप किसी को, आपको खाने की स्मेल भी आती है ना, या आपका मन कर रहा है या आपको स्मेल आती है, लाइक कहीं पे आपको कुछ समोसा या कुछ बन रहा है तो आपको स्मेल आएगी, तो द एसिड रिलीज, जैसे ही आपको स्मेल आती है और आपका खाने का मन होता है, एसिड खुद ब खुद रिलीज हो जाती है स्टमक पे. इसलिए भी कहा जाता है कि भूखे पेट कभी नहीं रहना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में, सभी के माइंड में, मोस्टली जो स्टूडेंट हैं या जो बच्चे ऐसे हैं जो 14 से लेकर 18 तक की स्टेज में हैं, मे बी 1 or 2 मे बी अप, तो उनके क्या स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स इसको आप बोलते हैं. आपके माइंड में ज़रूर आता है कि शायद किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन माइक्रोस्कोपिंग ऑर्गेनिज्म इन आर स्किन, दैट इज कॉल्ड डेमोटेक्स. डेमोटेक्स नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा हमारी स्किन के अंदर रहता है, जिसकी वजह से हमें ये रैशेज हो जाते हैं. और वो रैशेज होते कब हैं? जब उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो नंबर है वो हमारी स्किन के अंदर बहुत बढ़ जाता है. हमारे स्किन में जो हेयर्स हैं बेटा, उनकी रूट्स में ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है. अब द क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि आया कहाँ से, ये कहाँ से आएगा, दैट इज़
पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट? हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, पेरेंट्स को उनके फॉर पेरेंट्स से मिला है, क्लियर? तो हमारी स्किन में होने की वजह से अब रैशेज किन को आएंगे, जिनकी स्किन पे इनकी जनरेशन, इनका नंबर जो है वो बहुत इंक्रीज कर गया है. तो ये हमारे लिए जनरली ये वाला बैक्टीरिया जो सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट स्टिल हमें जो कुछ रिएक्शंस आते हैं, पिंपल्स हैं या रैशेज हो जाते हैं, वो हमारे लिए कभी कभी जो है पेनफुल होते हैं. अदरवाइज ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. नाउ नेक्स्ट फैक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये कोई मिसकंसेप्शन है कि गर्ल्स जो हैं वो कलर्स को ज़्यादा डिफरेंशिएट कर पाती हैं. कलर डिफरेंशिएशन मींस कि सपोज रेड कलर इज़ देयर, रेड के भी आपको काफ़ी शेड्स मिलते हैं, पर्पल इज़ देयर, पिंक इज़ देयर, काफ़ी सारे शेड्स हैं. तो ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल. ऐसा नहीं है कि ये मैं कुछ गर्ल्स की प्रेज कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट ऑल्सो कोई मिथ भी नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट. वो फैक्ट क्या है? दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोम्स. जितने भी 10th या 9th या प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम्स. गर्ल्स इज हैविंग एक्स क्रोमोजोम्स एंड बॉयज आर हैविंग एक्स एंड वाई क्रोमोजोम. वाई क्रोमोजोम इज देयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम अ बॉय चाइल्ड इज फॉर्म. नाउ द कलर की जो डिफरेंशिएशन करने की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो एक्स क्रोमोजोम की वजह से होती है. दिस इज ड्यू टू दैट कि गर्ल्स जो हैं वो कलर्स को ज़्यादा वाइब्रेंटली डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स. अब और एक लास्ट फैक्ट आज के लिए आपके साथ जो मैं डिस्कस करूँगी वो है हमारा ब्लड. आर ब्लड जो हमारी बॉडी में रोटेट कर रहा है बेटा, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो आपकी बाहर स्किन पे गिरा दिया जाए तो इट कैन बर्न द स्किन. अगर बहुत लार्ज अमाउंट में गिरा दिया जाए, वो इतना हाई टेम्परेचर में हमारी बॉडी के अंदर रोटेट कर रहा है. दीज आर द सम ऑफ द फैक्ट जो मुझे लगा आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए. आई विल बी अगेन विद यू टू डिस्कस सम मोर फैक्ट्स. आई थिंक दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू सो मच.